स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं फिर आपको ले आया हूं चैप्टर नंबर 16 10th क्लास और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हमारा चैप्टर है। मैं आज एक्सरसाइज 16.1 की बात करूंगा और सीधा सीधा ले चलता हूं सवाल संख्या एक पर। सवाल है, एक घनाप 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी ऊंचा है। 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी ऊंचा है। घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। देखो पहले मेजरमेंट लिखो, घनाभ की लंबाई 12 सेमी, घनाभ की चौड़ाई 9 सेमी और घनाभ की ऊंचाई 5 सेमी दी गई। आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखता हूं क्षेत्रफल, वो आता है 2 कोष्टक एलबी प्लस, सारे सूत्र मैंने आपको एक्सप्लेन किए कैसे कैसे बने थे। 2 गुणा एल का मतलब लंबाई, 12 गुणा बी का मान चौड़ाई और 9 गुणा 5 प्लस 12 गुणा 5, सारे वैल्यू रख दी मैंने, गुणा किया 12 नंबर 108, 9 पंजो 45, 12 पंजो 60, सबको जोड़ा हमारे पास में 2 गुणा ये हो गया 208, 5 13 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पे स्क्वायर लगता है, आयतन में क्यूब लगता है। और दूसरा तथा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L कितना? 12, आयतन को भी से लिखते हैं, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 5, 12 पंजो 60, 9 छिका 54, 540 सेमी क्यूब। ये हमारा एक घनाभ है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मैंने क्या किया। सवाल संख्या 1, 2 पे आओ। सवाल सेकेंड हमारे पास में, 3 घन है जिसकी भुजाएं हैं 8, 6 और 1, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन का आयतन ज्ञात कीजिए, नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल हमें पूछ सकता है। यहां पर 8, 6 और 1 है, 8, 6 और 10 का भी सवाल बनता है, इन तीनों में भी कॉम्बिनेशन है, 8, 6, 10 में भी है, 8, 6, 1 में भी, क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। आपको कहा जाए कि 3 छोटे छोटे लड्डू हैं, उनको फोड़ कर एक बड़ा लड्डू बनाएंगे, तो बड़े लड्डू में कितना वजन आएगा, जितना उन तीनों को मिलाने से बनेगा, पहले का वजन प्लस दूसरे का वजन प्लस तीसरे का वजन। वजन का मतलब क्या होता है? आयतन। तो बड़े वाले का आयतन किसके बराबर होगा? उन तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो हमारा सवाल भी यहीं से स्टार्ट होगा कि पिघलाकर बनाए गए नए घन का आयतन बराबर दिए गए तीनों घनों का आयतन। सवाल यहीं से स्टार्ट होगा कि पिघलाकर, या थोड़ा सा लंबी लाइन देख छोटा करूंगा मैं, कि नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर वो जो तीनों घन है छोटे वाले, तीनों घनों का आयतन, ये हमारी मेन सवाल की थीम है, इस पे काम करेगा सर। मैंने जो नया घन बनाएंगे उसको लिख दिया a क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और बाकी तीनों उनको लिख दिया a1 वन क्यूब प्लस a2 टू क्यूब, यानी उनकी भुजाओं को मैंने सिंबल दिया है, जो तीन घन थे पहले को a1 का है, दूसरे को a2 का है, तीसरे को a3 का है, और जो नए बनाए उसको a का है। a यानी नया जो बनेगी उसकी भुजा कितनी हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं पड़ा रहेगा।
और तीनों जिनको पिघलाया उनमें से पहले को बोला आठ, पहले की आठ है, दूसरे की छह है, तीसरे की एक है, कोई दिक्कत नहीं। आठ का क्यूब 512 होता है, छह का क्यूब 216 होता है, और एक का क्यूब एक होता है। इनको जोड़ेंगे तो 729 होगा। एक क्यूब बराबर 729, एक क्यूब बराबर 729, एक याद करना है तो 729 का घनमूल लेना पड़ेगा, और 729 का घनमूल 9 होता है, तो लिख देना आता है तीनों को पिघलाकर बने घन की भुजा 9 से ही होगी। अब इसका आगे जो ज्ञात करना है तो घन की भुजा से जो भी इसके रिलेटेड जो एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ जो भी निकालना हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल संख्या दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरे में एक संदूक है 50 सेमी × 36 सेमी × 25 की है, 50 36 25 है। संदूक पर कवर बनाने में कितने सेमी कपड़ा लगेगा? कवर बनाना संदूक पे, तो मैंने आपको कल कुछ वर्ड्स दिए थे, कवर लगाना हो, पॉलिश करनी हो, सफेदी करना हो, समतल करना हो, रंग करवाना हो, पेंट करवाना हो, इट मींस उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हवा, पानी, मिट्टी, वजन या पिघला कर दूसरा बनाए, तब आप कहेंगे आयतन की बात करें। तो यहां पर कवर लगाना है, और कवर का मीनिंग आप जानते हैं कि आपको क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, टोटल सरफेस एरिया निकालना। सवाल संख्या थर्ड की बात हो रही है, आओ मैं ले चलता हूं आपको थर्ड पे। आ जाइए सवाल संख्या तीन। एक घनाकार संदूक है, घनाकार संदूक है, घनाकार संदूक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, घनाकार संदूक की चौड़ाई 36 सेंटीमीटर, और घनाकार संदूक की ऊंचाई वह 25 सेंटीमीटर। ओके, आता है इस पर कवर लगाने में आवश्यक कपड़े कितना चाहिएगा? कपड़े का क्षेत्र, कपड़ा कहाँ लगेगा? पूरे संदूक के ऊपर लगेगा, जितना संदूक का पृष्ठ है उस पूरे पर लगेगा, यानी निकालना हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर। शॉर्ट में लिख दूं आप चाहो तो TSA चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें? TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। आगे नहीं बताऊंगा मैं, यहां तक आपको मैंने बता दिया है। ऐसा सवाल अभी किया था, आपको LB और H का वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। चौथे सवाल पे आओ। सवाल संख्या चार कह रहा है आपको कि घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी। तो आपको समझाया था घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। उसके आधार के समांतर उसे काटकर दो भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आओ पहले समझाता हूं आपको मैं। ये एक हमारे पास में एक घन है, ये लो सर, इसका प्रत्येक पृष्ठ
आप सोचे तो ये मेरी ओर दिख रहा है, जो भी प्रश्न दिख रहा है ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये प्रश्न है, यहां नाम दे दो चाहो तो, ए बी सी और डी। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर बोलो। तो हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, भुजा स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। भुजा निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 10 सेमी आ, 10 सेमी लंबा है, देखना ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये आधार हो गया, इसके समांतर इसको बीच में से काटा गया, देखना काटा गया तो क्या ये इसकी जो लंबाई है वो प्रभावित हुई, क्या ये चौड़ाई प्रभावित हुई, नहीं। कौन प्रभावित हुई, ऊंचाई। कितनी हो गई, आधी हो गई, क्योंकि बीच में से काटा है इसको और काटे दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा इधर, तो प्रत्येक टुकड़े की जो ऊंचाई है वो आधी होगी, लंबाई और चौड़ाई उतनी रही, यानी ये भी 10 है ये भी 10 है, ये कितनी होगी आप, 5 हो। सॉरी सवाल से क्या 4 चल रहा है यहां पर, इसके आगे बात लिख रहा हूं यहां पर, सवाल से 4 की बात है। जब आधार के समांतर इसे 2 समान भागों में बांट दिया जाता है तो या तब प्रत्येक भाग की लंबाई 10 ही रहेगी, चौड़ाई भी 10 ही रहेगी और ऊंचाई 5 है, ठीक है, ठीक है ना। तो इन तीनों मेजरमेंट से प्रत्येक भाग का हमें पूछा है, आता है प्रत्येक भाग, 2 भाग बनाए ना, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बोलेगा 2cos LB प्लस BH प्लस LH, 2L कितना 10, B कितना 10, H कितना 5, वैल्यू रख देना आंसर आ जाए। ये सवाल संख्या हुआ हमारा 4। पांचवा देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। बगे ढक्कन का एक संदूक है, 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, 146 लंबा है, 16 चौड़ा है और 83 ऊंचा है। यह हमारा सवाल संख्या 5वां होगा और उसके अंदर पेंट करवाने का खर्चा बताना, जबकि पेंट करने की दर है 2 रुपए प्रति 100 वर्ग से। आइए सवाल करता हूं मैं यहां पर, सवाल संख्या 5। आप देखिए इसमें क्या है, एक संदूक बता रहा है जिसकी लंबाई 146 सेमी है, चौड़ाई 16 सेमी है, ऊंचाई 83 सेमी है, ऊंचाई 83, 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहर की है अंदर की नहीं है,
ढक्कन नहीं है उसकी, बगैर ढक्कन की। भाषा देखना। सवाल संख्या पांच, बगैर ढक्कन की संदूक की बाह्य लंबाई बराबर 146 है और चौड़ाई 116 सेमी, ऊंचाई 83 सेमी। यहां लिखूंगा चूंकि संदूक 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है तो संदूक की आंतरिक लंबाई, संदूक की आंतरिक लंबाई कैसे निकालेंगे अभी समझाते हैं। अब क्या है समझना, जैसे अपना कमरा है, इतनी मोटी दीवार है, देखना इतनी मोटी दीवार कमरे की, ये 3 से भी मोटी दीवार है और इधर भी 3 से भी मोटी दीवार है। अब मैं बाहर से बाहर मापता हूं तो 146 है, अंदर आऊंगा तो 3 से भी इधर कम हो जाएगा और 3 से भी इधर कम हो जाएगा तो 6 से भी कम हो गए। 146 में से 6 कम करूंगा तो अंदर की लंबाई बचेगी 140, ऐसे ही चौड़ाई में से 6 कम हो जाएगा क्योंकि दीवार जितनी मोटी है उतना कम कर देंगे। दीवार 3 से भी मोटी है, 3 इधर से 6 कम हो जाएगा तो 6 लंबाई में से कम कर दो और 6 चौड़ाई में से कम कर दो, पर ऊंचाई में से 3 ही कम करना है, 6 नहीं करना क्योंकि ऊपर ढक्कन है ही नहीं, तो सिर्फ पहने में ही 3 से भी मोटा है, ऊपर ढक्कन तो हुआ ही नहीं, तो लंबाई में से 6 कम करना है, चौड़ाई में से 6 कम करना है और ऊंचाई में से केवल 3 कम करना है। तो लिखूंगा 146 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल 140। और ऊंचाई 83 माइनस 3। ओके, आप लिखेंगे आता है संदूक का आंतरिक क्षेत्रफल, संदूक का आंतरिक क्षेत्रफल अंदर का निकालना है, ध्यान देना कैसे निकालोगे, 2lb प्लस 2bh प्लस 1l। हाँ जी, ढक्कन नहीं है, सॉरी 2lh, दो दो होते हैं और दो को मनाते हैं, पर ढक्कन नहीं है, पेन जो फर्श है पेंदा है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, l इंटू बी होता है, जितना फर्श है उतनी छत होती है, जितना पेंदा है उतने ढक्कन होता है, ढक्कन है ही नहीं तो 1lb अपन पेंदे का गिनते, 1lb छत का या ढक्कन का गिनते, ढक्कन नहीं है
तो दो एल बी नहीं होंगे, कितने एल बी होगा, एक एल। ये सूत्र हो गया। ढक्कन नहीं है यदि किसी भी संदूक या घनाभ के, तो उसका सूत्र ये होगा। समझ में आ गई? अब वैल्यू आपको मैंने सारे दे दी है, रखनी है। क्षेत्रफल आएगा, उस क्षेत्रफल किससे गुणा करना है, किससे गुणा करना है, दर क्या है रंग की, देखना रंग करवाने की दर वो है मेरे ख्याल से ₹2 प्रति सौ। लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको हल भी कर दूं, ये लो काम निपटे, दो मिनट लगेगी। 140 सॉरी गुणा 110 प्लस 2 गुणा 110 गुणा 80 प्लस 2 गुणा 140 और गुणा 80, गुणा कर दो उसको, 14 11 154 प्लस 11 8 88 88 2 176 और 14 97 98 14 112 112 और 224। ओके सबको जोड़ेंगे 15 17 32 15 17 32 32 33 33 और 22 55 55 400 55 400 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब रन करवाने दर कितनी है यहां पर लिख सकते हो, इसलिए दिख रहा है मेरे ख्याल से, इसलिए ₹2 प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से, की दर से रंग करवाने का खर्च, रंग करवाने का वे वो आएगा 55400 इंटू 2/100 से गुणा कर देंगे, ये अपना आ जाएगा रंग करवाने का खर्चा। स्टूडेंट फिर से कह रहा हूं, जो जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो, और जो अब 10th क्लास में है सबको वीडियो 100% देखना है, बार बार कॉल नहीं करना पड़े। टेस्ट में भी आप में से बहुत से कम स्टूडेंट ने प्रेजेंस दी थी, नेक्स्ट टाइम टेस्ट हो तो 100% प्रेजेंस होनी चाहिए और 100% लोग वीडियो देखेंगे। मैं आपको फिर से इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि आप इस बात को हल्के में नहीं लें, क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा यह हमें नहीं पता, पर यदि हम 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने बाद जब भी स्कूल में आएंगे और आप यदि यहाँ पर लेक्चर को वीडियो नहीं देखोगे, लेक्चर नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं वर्क करोगे, तो 3 महीने बाद एक साथ आकर न आपसे काम होगा, न आपसे को इतना समझ में आएगा और न ही आपके अच्छे स्कोर होंगे, फिर आपके पूरे साल का जो रिजल्ट है इसे प्रभावित होगा। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 100% वीडियो देखें, हमेशा देखें, हमेशा पढ़ें, हमेशा होमवर्क करें और होमवर्क सबमिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।